टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी का तीसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कमेटी के सदस्यों ने केक काटकर इस दिन को खास बनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की हुई मौत को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कमेटी काम करेगी। मृत प्रवासी के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। देश भर में गुरुवार को ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी अपने स्थापना का तीसरा वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इस दिन को प्रवासी मजदूरों को समर्पित करते हुए कहा कि वे हमेशा प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत कम है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से कोरोना महामारी में मृत प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। और हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं रतन जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, इन सभी लोगों ने और सारे कांग्रेस पार्टी के सारे विंग्स जितने भी हैं सभी ने आज मिलजुल कर NSUI के भी साथी थे, युवा कांग्रेस के भी साथी थे और मेन कांग्रेस के भी साथी थे, सभी ने मिलकर आज केक काटकर आज स्थापना दिवस मनाया है। और जहां तक ट्रेड इनका जो यूनियन है, इन ये यूनियन हमारे पार्टी के यूनियन और हमारे पार्टी के जितने वर्कर्स हैं सभी का एक ही मकसद है कि देश में जिस तरह से इस वैश्विक महामारी, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, उसको लेकर जितने भी मजदूर बाहर से, कई हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कई अन्य राज्यों से जो बिहार आए हैं, जो जिन्होंने पलायन किया है, कई 100 किलोमीटर तक पैदल उन्होंने रास्ता जो सफ़र किया है, उनमें कितने की मौत हो चुकी है, मैं वह तस्वीर आंखों से देखा हूँ। सबसे पहले सोनिया जी के ट्विटर वॉल से, प्रियंका गांधी जी के ट्विटर वॉल से, राहुल गांधी जी के ट्विटर वॉल से मैंने देखा कि वो बेगूसराय का मजदूर था जो चीखते चिल्लाते हुए एक अपने कान में फोन सटाए और मास्क आधे चेहरे पे लगाए, वह बेगूसराय का लाल था, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। इस वैश्विक महामारी में सरकार अभी तक उनकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। उन जैसे तमाम मजदूर जो मरे हैं, जिनकी किसी कारण से उनकी मौत हुई है, उन सभी के लिए मैं एक आज श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही